नहीं, आरसीएम से बाहर की दुनिया आपको सिर्फ नेगेटिव करती है, नेगेटिव। जैसे मेरे टीचर ने मेरे दिमाग में, जयप्रकाश शर्मा ने, कभी मौका मिला तो मिलूंगा, ठोक ठोक के बढ़ दिया, तू निकम्मा है, तू नकारा है, तू धरती पे बोझ, और मैंने भी मान लिया मैं बोझ हूं। मैंने मान लिया मेरे अंदर कुछ जाने वाला तो है नहीं है। लेकिन इस आरसीएम की दुनिया ने दोस्त, कितना भी किस भी बैकग्राउंड से आए, यहां आपका अपलाइन जो आपके साथ साथ रहता, वो कहता भाई, आप कहते भाई सर मेरे तो बस का है ही नहीं, वो कहता नहीं तू कर सकता है, यहाँ नेगेटिव बोलते ही नहीं है, वो कहता तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू करोड़पति, तू करोड़पति। उसको भी लगने लगता है सर मैं करोड़पति, मेरे को भी लगने लगा ये कर सकता हूँ क्या। यहाँ एक बार आरसीएम वालों के लिए जोड़ता ताली बजाई, जिस व्यक्ति को आप सुनने आए हैं आज के, अगर मैं बात करूं किस तरह का व्यक्ति था ये, मतलब जीरो एजुकेशन, समाज में कोई फैमिली बैकग्राउंड जीरो, अगर बाइक पे 150 जगह आरसीएम लिखा हो, सोच के देखिए क्या लोग उसकी बात मानते होंगे। थोड़े दिन में लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया, मैं जिस रास्ते से आता था लोग रास्ते छोड़ के साइड में घुस जाते थे। मेरे पिताजी को गाँव में जैसे गुरुद्वारे के ग्रंथी है, तो जैसे हमारे मंदिर के पुजारी होते हैं, तो ग्रंथी को ज्ञानी जी कहते थे हमारे यहाँ, तो बोले वो आ गया ज्ञानी का पागल। तो मैं जिस रास्ते से आता था लोग दाएं बाएं घुस जाते थे, तो मुझे बताना तो आता नहीं था, तो मुझे तो दो ही चीजें समझ में आई थी, तू भी मेंबर बन जा, मैं भी मेंबर बन गया, तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति। अब जैसा उस लेडीज ने बेचारी ने मुझे बताया था, यहाँ तेरा सर दो चीजें हैं, मजाक भी है और सीरियस भी है। एक होता है सर आपका स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का मतलब है जो आपको ज्वाइन कराता है, ज्वाइन कराने वाला। एक होता है आपका अपलाइन, ध्यान देना सर, अगर लक्की है वो व्यक्ति, अगर आपका स्पॉन्सर ही आपका अपलाइन ही आपका स्पॉन्सर है। अपलाइन कौन है? जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जिसको खुद नॉलेज है, क्योंकि जब मुझे नॉलेज होगी तभी मैं किसी को बता पाऊंगा ना। तो ये स्पॉन्सर तो मेरी लेडीज थी बेचारी, इसको कुछ भी नहीं पता था, अगर इसको पता था तो मुझे ये बैंक की डायरी थोड़ी बिकवाने देती, ये कहती कोई बात नहीं पार्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं करना है। तो हमारा अपलाइन ऊपर तक कोई था नहीं, क्योंकि शुरू में अपलाइन का पता नहीं होता। एक साल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भैंसों के पैसे थे मैं किसी के पास जाना, 1500 की उस वक्त किट होती थी, 1500 की जो पुराने साथी उनको पता 1500 की किट होती थी, उसमें तीन पैंट तीन शर्ट मिलते थे। कोई बोलता भाई साहब मेरे पास तो 800 रुपए है, मैं बाकी के मैं दे दूंगा। कोई कहने लगा पैसे तो नहीं है, मैं अच्छा मैं फ्री में दे दूंगा, मतलब पता ही कुछ नहीं था। मतलब मेंबर पुराने से मैं क्या करता था, ऐसा पुरानी था जो पुराने साथी जानते हैं, यहाँ पे बिजनेस हर महीने जीरो होता है, होता है पर मुझे पता ही नहीं था हर महीने जीरो होता है। मैं क्या सोचता था, इस महीने 5000 का हो गया, अगले महीने फिर 10 का हो जाएगा, फिर किसी महीने 15 का हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात घुस गई, भाई प्लान में भी जिस दिन आपके इधर 3.5 लाख का इधर और 1.15 का इधर हो गया, तो आपकी 3% रॉयल्टी क्लियर हो जाएगी। और ये मुझे ये नहीं पता, चाहिए एक साल में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, मुझे ये नहीं पता, ये बिजनेस हर महीने जीरो होता है। अब किसी को ज्वाइन करता, मैंने कहा 5 हो गया, किसी महीने 7 हो गया, किसी महीने 15 हो गया। सोच के देखिए, जिस दिन उस व्यक्ति को ये पता लगे भाई यहाँ तो बिजनेस हर महीने जीरो होता है, तो क्या गुजरी होगी उसपे। जब मुझे पता लगा बिजनेस जीरो होता है हर महीने, क्योंकि बताने वाला तो था ही नहीं, मैंने इतनी गलतियां की इस बिजनेस में, इतनी गलतियां की, मैंने PhD कर रखी है गलतियां करने। तो बिजनेस बहुत शानदार है, लेकिन एक साथ जब मैंने इसको बिना सीखे किया दोस्त, मुझे ये बकवास लगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। बड़ी मुश्किल से मेरा चेक आया था 705 रुपए का, कितने का? 705। तो पहले चेक के लिए जो था बारे में एक काम किया, एक मैंने खास काम किया, मैं जैसा भी था मैंने मीटिंगों में आना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी एक आदत है मैं जो भी काम करता हूं या तो करता नहीं और करता हूं तो पूरी जुनून की हद तक करता हूं। शायद ही 200-300 किलोमीटर की रेंज में कोई प्रोग्राम ऐसा होगा जो मैंने अटेंड नहीं किया, चाहे वो हमारे से जींद हो चाहे कहीं भी हो। मैं क्या करता था उस वक्त, आरसीएम टाइम्स आता था, 5 रुपए का मैं आरसीएम टाइम्स खरीदता था, टिक मार करता था मेरे 200-300 किलोमीटर की रेंज में मीटिंगें कहां कहां हैं। मैं लोगों को इनवाइट करता, मुझे इनवाइट करना आता नहीं था, कोई मेरे कहने से आता नहीं था। मैंने हजारों मीटिंगें अकेले ने जा जाके देखी हैं। यहाँ दुर्भाग्य क्या है, अपलाइन फोन करता जी मीटिंग है 2 दिन पहले, हाँ जी तैयारी है, 50 लोग आ जाएंगे, 20 लोग आ जाएंगे। जैसे जैसे मीटिंग का दिन नजदीक आता है और वो लोग खिसकने शुरू करते हैं, जिसकी किसी की बहन बीमार होगी, किसी की बुआ आ गई, किसी का कुछ हो गया, और लास्ट तक कोई नहीं रहता, तो फिर वो व्यक्ति भी अपलाइन को कहता जी कोई आ तो रहे नहीं। उसको लगता मैं भी क्या करूंगा, मैंने तो PhD कर ली, भाई मैं मीटिंग में जाके क्या करूंगा। वो कहता जी कोई आ तो रहा नहीं। तो हमें दोस्त दूसरों के लिए मीटिंग में नहीं जाना, हमें खुद सीखने के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? मैंने हजारों मीटिंगें अकेले ने बैठ के देखी हैं, और साइंस काम करती है। मैं सोचता था पीछे खड़े होके, मैंने कभी ऐसा भी होगा क्या, ये जो खचा खच हाल भरा पड़ा है 500-700 हजार लोगों का, कभी ऐसा होगा क्या मेरा ग्रुप सारा बैठेगा? और आज वो सच्चाई हुई दोस्त, इस तरह की हजारों मीटिंगें होती है जहां पे खचा खच हाल मेरे ही ग्रुप का होता है। ये सच्चाई है। तो यहाँ पे स्वर्गीय शीष पंडित जी बोल रहे हैं सर 90% समय
खुद पे लगाना है। किस पे लगाना है? खुद पे, खुद पे। लेकिन हम खुद पे लगाते ही नहीं है। मैंने इतनी गलतियां की, मैं निराश हो चुका था, टूट चुका था। पहले अपने माइवे से काम कर रहा था, जब पैसे खत्म हो गए, दिक्कतें बढ़ गई, पैसे आए नहीं, तो मैं एक दिन अत्री जी के पास जाके रियल में परेशान होकर रो पड़ा। मैंने कहा सर लगता है मैं आरसी में भी कामयाब नहीं हो सकता और मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अत्री जी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा 705 रुपए आए थे, अब जो पैसे थे वो खत्म हो गए, पैसे और है नहीं है, घर के हालात बस से बदतर हैं। क्योंकि मैंने धीरे धीरे, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अब पैसे तो आते नहीं थे, जो मेरी जैसा मेरा दिनचर्या था, काम करने का तरीका था, मैं कभी बुक ही बेच देता था जो मेरे हिस्से आई थी, कभी मैंने भैंस बेच दी, कभी कोई कटड़ी बेच दी, मैंने अपनी घर की और मैडम की सारी टूमें बेच दी। क्योंकि दिखावा कई बार ना स्टेज पे ये नकली दिखावा, शोशाबाजी, ये तो दिखता है लेकिन नॉलेज थी नहीं। तो अब पैसे तो आते नहीं थे, अब मैं इतना जब भी यहाँ बुलाया जाता, 5-7 लोग प्लान के लिए बुलाते हैं, 7 लोग आते उसमें मैं होता, पहले चेक वाले आते उसमें भी मैं होता, और यहाँ चिल्ला के बोलता करोड़पतियों की लिस्ट बढ़ेगी, उसमें एक नाम जनरल सिंह रंधावा का होगा। मैं थोड़े दिन में इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, अब मैं क्या करूं? अगर मैं आरसी में छोड़ू मैं तो वैसे मर जाऊंगा। तो मैं क्या करता, जब पैसे तो आते नहीं थे, घर की चीजें बेचने शुरू कर दी, कभी साइकिल बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया, और मैडम कहने लगी तो बिक गया सारा कुछ, और तो बचा ही नहीं है, अब क्या बेचोगे? तो फिर मैं अत्री जी के पास निराश हो गया। मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं इसमें भी कामयाब हो जाऊंगा। अत्री जी ने मुझे कहा, ध्यान देना सर, जो गलती हम करते हैं, अत्री जी ने मुझे कॉपी पेन दिया और मुझे कहा रंधावा जी आप बताओ पिछले 1 साल में आपने लोगों को कैसे समझाया, कैसे प्लान दिया? मैंने कहा जी मैंने तो कभी कॉपी पेन उठाया ही नहीं। तो बोले फिर 1 साल में क्या किया? मैं बस ऐसे ही, तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करते थे। बच्चे मतलब ये जो हमारी डाउनलाइन है ना, ये हमारी टीम होती है, डाउनलाइन नहीं बोलना, ये हमारे जो पार्टनर होते हैं ना, ये आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं। अब उसको बेचारी जो लेडीज थी उसको तो पता नहीं था क्या कैसे ट्रेन करना, क्या करना, मुझे नॉलेज थी नहीं। मैंने कहा सर मैंने तो कभी कॉपी पेन उठाया नहीं, अब मुझे क्या सिखाया गया? ये देखो 20 लोगों की लिस्ट दे दी, ये देखो जीत गए, ये भी करोड़पति, ये भी करोड़पति, मुझे पंप तो मारे गए लेकिन एजुकेशन दी नहीं, मोटिवेशन तो मैं तो पहले ही पागल था, पहले मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत थी और ठोक ठोक के भरते रहे। अब मोटिवेशन इतनी ज्यादा हुई, मैं अपने आलतू फालतू तरीके से काम करता रहा। एक बार मैं गांव में गया तो वो गांव के व्यक्ति को मैं ज्वाइन कराने गया, बिल्लू रोड है हमारे वहां, वो कहने लगा मेरी मोटर खराब हो रही, पहले मेरी मोटर निकलवा के आओ। हम उसके खेत में गए, सारा दिन तंग हुए, उसकी मोटर निकलवाई, वो जुड़े फिर मेरी। मतलब पता ही नहीं था भी क्या मोटर निकलवाना, उसको प्लान दे तो मोटर निकलवा, उसको प्लान दे, प्लान तो पता ही नहीं था, अब किसी ने बताया ही नहीं प्लान भी देना होता है। तो मैंने साल पल्ले मैंने कहा अत्री जी से मैंने तो कभी कॉपी पेन उठाया ही नहीं। बोले फिर क्या किया? मैं बस तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। तो अत्री जी ने कहा कौन सी किताब में लिखा लोगों को पल्ले से ज्वाइन कराओ? रंधावा जी आप अपनी जो आज आपके हालात है वो उसकी वजह खुद हो। फिर अत्री जी ने मुझे 2 बातें बताई सर, जानना चाहते हैं? इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अत्री जी ने कहा रंधावा जी आधा अधूरा ज्ञान हर चीज का खतरनाक है। आधा अधूरा ज्ञान हर चीज का खतरनाक है। दूसरों ने बताया सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। वो कहता है अगर किसी भी फील्ड में आप नंबर 1 की पोजीशन पर जाना चाहते हो तो उस विषय के सामान्य ज्ञान से बात बनने वाली नहीं है, आपको उस विषय का विशेष ज्ञान चाहिए, और मेरे पास तो सामान्य भी नहीं था। तो फिर मैंने अत्री जी को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा जो आप कहोगे, मैं जिद्दी तो था ही, मैंने कहा आप बोलोगे ना कब्रिस्तान में 12 बजे 2 बजे खड़े थे, मैं वहां भी खड़ा मिलूंगा, लेकिन मुझे कामयाबी चाहिए। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें स्टेज पे कर दी है, अगर मैं वापस गांव में जाना पड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। तो अत्री जी ने कहा कोई बात नहीं। उस दिन के बाद हो जब मैं इसको बिना सीखे कर रहा था, मेरे लिए बकवास लग रहा था, जब मैं इसको सीख के मुझे पता ही लगा वो मोलड़ वो देहाती वो जैलू जैला धीरे धीरे कब रंधावा साहब बन गया। ये है सीखने की पावर। अगर मैं आज की बात करूं, और जमीन बेच के बाहर जाना चाहते थे नहीं जा पाए, लेकिन सिस्टम की पावर देखिए दोस्त, बैंकॉक दुबई स्विट्जरलैंड सिंगापुर जाने का मौका मिला कंपनी के खर्चे पे। हेलो अपने खर्चे पे तो दुनिया जाती है। बैंकॉक दुबई स्विट्जरलैंड सिंगापुर कंपनी के खर्चे पे कंपनी ने बोल दिया था दिल्ली के एयरपोर्ट तक जाना आपका खर्चा है, एयरपोर्ट के बाद पर्स अपनी जेब में डाल लेना, अगला सारा खर्चा कंपनी का है। इतनी पावर देता है आरसी। मतलब उस फैमिली बैकग्राउंड 8वीं फेज को हमारे समाज में कोई चपरासी की नौकरी पे नहीं रखता, रखता क्या? चपरासी की नौकरी पे नहीं रखता। और इस सिस्टम ने पावर देखी है, पिछले 11 बजे से गुरुजी रंधावा जी गुरुजी और जहां चले जाएं बाबा नानक की दुआ से सीखने की बदौलत दोस्त सभी लोग प्रेम करते हैं प्यार करते हैं जहां जहां भी जाएं। यह है सीखने की वजह से। किसकी वजह से? तो सीखने के लिए तैयार है अपनी बात कर ले, अपने लिए तालियां बजा ले। ज्यादा लंबा बोल नहीं सकता इसलिए मैंने पहले बोला था सर डायरी और कुर्सी यहाँ रखवा देना,
मैंने जो बोलना है वो मैंने पहले चेप रखा है डायरी में, मैं सिर्फ एक ही काम में माहिर था नकल मारने में, खुशी लेना मैं सिर्फ एक ही काम में माहिर था नकल मारने में, और स्वर्गीय सतीश पंडित जी पर चाहूंगा मेरे जोड़ा ताड़िया। मैं सर उनको बहुत फॉलो करता हूँ और वो बहुत अच्छी बात बोलते हो, कहते दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है आरसी बिजनेस। क्या बोलते हैं सर? आसान। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है आरसी बिजनेस, और दूसरा ये भी बोलते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस है आरसी बिजनेस। अब ये आसान कैसे है और मुश्किल कैसे है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, एक बार अपनी तालीम डाले तब तक। अब ये पता नहीं है भूलने की आदत अच्छी है या बुरी है, ये बचपन से है, और कई लोग बोलते हैं दादाजी न्यूट्रिशन खाते भूलना तो नहीं चाहिए, डीएचए खाया करो। मैंने कहा मम्मी जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी का दूध तो मुझे मिला नहीं, अब जो चीज शुरू से बननी थी वो तो बनी नहीं, अब बाकी तो मैं न्यूट्रिशन लेता हूँ। मेरी एज 45 साल है और 45 साल में सारी दाढ़ी ये सिर के बाल सारे नेचुरल है, मैंने सिंपल व्यक्ति हूँ, मैंने आज तक कभी चेहरे पे कुछ नहीं लगाया। न्यूट्रिशन तो मैं 100% यूज करता हूँ, लेकिन जो बचपन से डीएचए कभी रह गया वो तो पूरी नहीं हो सकती ना, तो ये चीज है। तो सर मैं नोट कर लेता हूँ जो भी मुझे बताना होता है। तो स्वर्गीय सतीश पंडित जी बहुत सिंपल बात बोलते हैं, वो कहते हैं ये बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। दो चीजें होती है सर, नोट कर लें, एक है माईवे और एक है हाईवे। एक है सर माईवे, दूसरा है हाईवे। माईवे का मतलब है अपना दिमाग लगाना, अपने मनमाफिक तरीके से काम करना। फेल होने का कारण क्या है सर? माईवे। माफ करना किसी की बात को, ईगो हट मत करना। एक है सर माईवे और दूसरा है हाईवे। बस ये दो शब्द बहुत गहरे हैं सर, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए सब कुछ समझ आ जाएगा। माईवे का मतलब है अपने दिमाग से काम करना, अपने दिमाग से। अब एक चीज बताइए, माफ करना मेरी बात बदलवाई मत लेना, अगर हमारा माईवे इतना अच्छा होता फिर तो रंधावा आरसीम से पहले काम हो जाता। फिर टायर पंचर के लगाने की जरूरत क्या थी, धक्के खाने की जरूरत क्या थी, ट्रकों पर रहने की जरूरत क्या थी? तो बेवजह की हमने ईगो पाल रखी है। अगर हमारा माईवे इतना स्ट्रॉन्ग होता तो टाटा बिरला अंबानी बड़ी बड़ी कंपनियां हमें हायर कर लेती, करोड़ों रुपए से खरीद के ले जाती, नहीं ले जाती क्या? yes. तो हम बेवजह की ईगो पाल रखी है। आज तक हमने अपने माईवे से तो काम करके देख लिया, करोड़पति बने क्या? no. आरसीम से पहले भी नहीं बने, और लोग आरसीम में आने के बाद भी अपना माईवे लगाते हैं, तो आज भी हम जैसे कैसे जुगाड़ से वहीं के वहीं हैं। तो अगर दोस्त सतीश पंडित जी कहते हैं अगर हम अपना माईवे को लोग लगा के, हाईवे का मतलब है सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम का मतलब है जो आपका एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन बोलता है, क्योंकि उसने पीएचडी कर रखी है गलतियां करने में। अब एक तो तरीका यह है, मान लीजिए रंधावा जी ने 15 साल लगाए, मैं 2006 से हूं आरसी में, एक तो तरीका मैं 15 साल में 2 लाख पे पहुंचा हूं, एक तो तरीका यह है आप भी 15 साल लगाएं, जितनी गलतियां मैंने की आप भी करें और फिर आप स्टार एमराल्ड बने। और दूसरा तरीका है जितने 15 साल लगाए हैं गलतियां करने में, पीएचडी की है गलतियां करके, अगर आप उसकी बात मान लें तो आप 1 साल में एमराल्ड बन सकते हैं। अकलमंदी किसमें है? अकलमंदी किसमें है? 15 साल लगा के अपनी गलतियों से सीखने में है, या जिसने 15 साल लगाए उसको कॉपी करने में? आपके 14 साल बच जाएंगे ना। तो दोस्त जो आपका अपलाइन बोलता है, रामेश्वर जी बोलते हैं और जो आपके अपलाइन बोलते हैं, उन्होंने कई कई साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो अपने माईवे से तो हमने काम करके देख लिया, अब हाईवे से काम करना है, सिस्टम से काम करना है। अपलाइन बोलता है 100% प्रोडक्ट यूज करो, कोई दिक्कत है क्या यूज करने में? क्या पहले यूज नहीं कर रहे? मान लीजिए जो नए साथी हैं अभी हम क्या काम करवा रहे हैं, कपड़े तो आप पहले भी पहन रहे हो, रसोई का सामान पहले भी यूज कर रहे हो। तो दोस्त नया कुछ नहीं करना, अगर अपलाइन बोलता है तो उसको फॉलो कर लें। अपलाइन के यानी कि सतीश पंडित बोलते हैं अपलाइन से सीखो कैसे कैसे कैसे, और अपने बिजनेस पार्टनर को बताओ सेम कॉपी बिना दिमाग लगाए वैसे वैसे वैसे, और मिलजुल के कमाओ पैसे पैसे पैसे। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, मैं प्रैक्टिकल साबित करूंगा दिक्कत कहां होती है। आगे चले तो इसी का ध्यान रखें, हमें माईवे को बंद करें सर, हाईवे पे आना है। और क्या क्या गलतियां हम करते हैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, कितना बड़ा सिस्टम है ये। आज हमारे देश में 2 सबसे बड़ी समस्या है सर, वो क्या है? नंबर 1 तो है बीमारी, नंबर 1 बीमारी है, नंबर 2 बेरोजगारी है। सही कह रहा हूं सर? यस सर। अच्छा ईमानदारी से बताइए यही 2 समस्या है ना?
क्या सरकार के पास इनका इलाज है? अच्छा, बीमारियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं? बढ़ रही हैं या घट रही हैं? सुस्ती तो नहीं आई? एक मेरी में दिक्कत और है, मैं ढीले ढाले लोगों से बात करना, मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, आपकी नहीं। मुझे ढीले ढाले लोगों से बात करना पसंद नहीं है। अगर आप मेरा पर्स भी निकाल के देखोगे तो इसमें भी नए नोट मिलेंगे। तो मेरा बचपन से शुरू से नेचर है, मैं दुकान वाले को अगर मैंने 100 रुपये दिए, उसको 10 रुपये की कोई चीज ली और मैं बोलता भाई साहब 90 रुपये नए देना, और मुझे देखता ऊपर से नीचे, बोले भाई साहब पुराने भी उतने में ही चलेंगे। मैं उतने में तो चलेंगे, मुझे तंग करेंगे। वो ढीले ढाले नोट मुझे पर्स में भी तंग करते हैं। और मैं अपने घर में रहता हूँ तो मैडम जैसे सुबह उठती है तो जैसे वो आदत होती है उसको उठना ढीले ढाले। मैंने कहा जब तक मैं घर में रहूं टिप टॉप रहा करो, जब मैं घर से चला जाऊं भले कुछ मर्जी करो। तो मेरी मजबूरी है दोस्त, ढीले ढाले आदमी को देख के मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा जब तक बातचीत करें थोड़ा एक्साइटमेंट में रहें, एक्टिव होके बैठे। अच्छा आप जवान हो या बुढ़े हो? जो अपने आपको जवान समझता है तो वो बिल्कुल टिप टॉप होके बैठे, अपनी ताली हो जाए एक बार। में जवाब दीजिए, देखिए मैं आपसे बात करने आया हूं, मैं कुशेत्रा से आपसे बात करने आया हूं। तो बात का मैं थोड़ा सा बता दूं उसका रिजल्ट कैसे आएंगे। गुरु नानक जी एक बार वो काबुल की पता नहीं कहां की बात है, तो गुरु नानक जी की बात है, उनसे स्टोरियों से बहुत रिलेट करता हूं। सुबह सुबह वाणी देखता हूं, 5 बजे सीधा प्रसारण। देखो सीखने में दोस्त आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लाइव प्रसारण आता है सुबह अमृतसर से, उसमें बहुत सारी सच्ची घटनाएं मुझे, मैं कॉपी में नोट कर लेता हूं। गुरु नानक जी गए तो वहां पे जो वहां का शहनशाह था तो उसने उसको पता लगा भी बाबा जी आए हैं, और वो कहते हैं हिंदू मुसलमान एक है। तो उन्होंने उसको अपने दरबार में बुलाया। तो दरबार में एक आदत होती है, जब आप दरबार में अंदर जाते हैं तो अदाब करके आपको अंदर जाना पड़ता है। पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नानक जी किसी के आगे सिर नहीं झुकाते थे, वो गेट के बाहर ही रहे। तो मंत्री ने कहा सर वो अंदर नहीं आएंगे, वो झुकेंगे नहीं। तो काफी देर वेट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं झुकते उनको अंदर से बुला लो, चलो बात तो करें। वो अंदर आ गए, उन्होंने कहा जी आप बोलते हो हिंदू मुसलमान एक है, बोला जी बिल्कुल सही एक है। बोले आप कोई पक्षपात नहीं करते? बोले जी बिल्कुल नहीं करता। बोले अगर आपको हिंदू मुसलमान में कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। क्या कहा? हमारे साथ मस्जिद में। तो गुरु नानक जी कहने लगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर एक शर्त है मेरी, एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी नमाज पढ़ूंगा मस्जिद में, लेकिन उसके साथ आपको मेरे साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। बोले जी बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मस्जिद में चले गए, मस्जिद में नमाज अदा की गई। जितना टाइम उनका नमाज अदा करने में लगा, काजी जो काजी साहब थे वो नमाज पढ़ रहे थे, जो वहां के शहनशाह थे वो भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन गुरु नानक जी ऐसे ही खड़े थे। तो जब नमाज का टाइम खत्म हो गया तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, तो नवाब साहब कहने लगे नानक जी को आपने हमारी तोहीन की है हमारी मस्जिद की, तो आपने वादा किया था आप नमाज पढ़ोगे तो आपने पढ़ा नहीं। तो काजी साहब कहने लगे आपने पढ़ी नहीं। तो नानक जी कहने लगे मेरी एक शर्त भी थी, एक रिक्वेस्ट थी, मैं नमाज तो पढ़ूंगा लेकिन साथ में आपको भी पढ़नी पड़ेगी। तो काजी साहब कहने हम पढ़ तो रहे थे। तो नानक जी ने कहा सिर्फ आपका शरीर यही था जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके घर में घोड़ी का बच्चा पैदा हुआ है, घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा कुएं के इर्द गुर्द घूम रहा है और आपका सारा ध्यान इसमें है कि बच्चा कुएं में न गिर जाए। सिर्फ आपका शरीर यही था, आपकी आत्मा तो आपके घर पे थी। तो मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? उन्होंने कहा मैं नमाज किसके साथ पढ़ता, आपका तो शरीर यही था, मन तो कहीं और था। काजी जी बड़े शर्मिंदा हुए, लेकिन शहनशाह ने कहा ठीक है, काजी साहब यहां नहीं थे, मैं तो यहां था, मेरे साथ पढ़ लेते। नानक जी ने कहा जब नमाज पढ़ी जा रही थी आप भी काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, पूरी नमाज में तो आपसे घोड़ों का रेट नहीं लगा। तो वो भी शर्मिंदा हुए शहनशाह भी। तो दोस्त मैं भी आपसे बात करने आया हूं, लेकिन बात तभी कर पाऊंगा जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से यही रहेंगे।